एमपी का विदिशा कोर्ट परिसर शुक्रवार दोपहर अखाड़े में तब्दील हो गया। एक पुराने मामले में महिलाओं युवतियों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक वकील की जमकर धुनाई कर दी। महिलाओं ने वकील को लात घूंसे और चप्पल से जमकर पीटा। वकील का कहना है कि इन्होंने प्लान के तहत मेरे आंख पर स्प्रे किया, मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। मैंने कोर्ट परिसर से भागकर जान बचाई। वहीं दूसरे पक्ष की युवती का कहना है कि वकील गवाही देने से रोक रहा था, उसने हमें परेशान करके रख दिया है। टीआई सिविल लाइन कमलेश सोनी ने बताया कि एडवोकेट भागचंद अहिरवार और व्यापारी दीपक जैन के बीच पुराना विवाद है। उस केस के मामले में आज पेशी थी। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के सामने कुछ युवतियों और युवकों ने एडवोकेट भागचंद के साथ मारपीट कर दी। भागचंद न्यायालय परिसर में भागकर खुद को बचाया। बाद में मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई। इधर दूसरा पक्ष भी सिविल लाइन थाने पहुंचा। वहीं युवती का कहना है कि वह बयान देने कोर्ट आई थी, भागचंद ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, उसने मारपीट की, बहन के पेट में लात मारी, वह लंबे समय से हमें परेशान कर रहा है, बार बार गवाही देने से रोकता है, इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामला दर्ज करने की बात कही। आज मेरी गवाह, मेरा नाम रक्षा समृद्धि जैन है। क्या मामला हुआ था? आज मेरी कोर्ट में गवाही थी, भागचंद अहिरवार गवाही देने से रोक रहा था, इसने रोक लिया, मारपीट करी, मेरी बहन के पेट में लात मारी, उसको नाक से खून आ गया, जिसका मेडिकल अभी हम कराने जा रहे हैं। भागचंद अहिरवार हम लोग को बहुत परेशान करके रखा है और हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। क्या कोई पुराना भी बात चल रहा है? क्या मामला पूरा? कोई पुराना भी बात था क्या? हाँ, मेरी बहन ने जो अभी उसकी केस किया था इसके ऊपर, वो भी प्रकरण चल रहा है, उसकी आज मेरी गवाही है, गवाही देने से रोक रहा है हमको, गवाही नहीं दोगे। भागचंद अहिरवार उर्फ अभिषेक अहिरवार मेरे न्यायालय गया हुआ था, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ पर, और दीपक कुमार जैन, पिता अशोक कुमार जैन, अरियंत बिहार निवासी, पूर्व निवासी अरियंत बिहार द्वारा मुझे सन 2014 से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। मेरा मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है, मेरा MBA, LLB, LLM और PhD वर्तमान में मैं कर रहा हूँ, और 2014 में मैंने एक मंजू दांगी नाम की, जिसका नाम नहीं बता रहा हूँ, उसकी मैंने मदद की थी। वो मेरे शोरूम पर काम करती थी, दो लड़कियाँ, एक ब्राह्मण परिवार की, एक दांगी परिवार की। दीपक जैन मेरी दुकान पर आया और इसने मेरी दुकान से एक LED TV खरीदी, छोटी वाली। इसके बाद जब मैं भोपाल जाता था या दुकान से खरी फाटक रोड से मैं कहीं बाहर जाता था, तो ये मेरी लड़कियों के संपर्क में आके उनको 5,000 रुपये का कह के ले गया। इसके बाद मैंने, मेरा कोई नहीं रहा, मैंने उनका हिसाब कर दिया। इसके बाद वही लड़कियाँ मेरे पास रोते रोते आई, भाई साहब आप वकालत कर रहे हैं और आप इतने से व्यक्ति हैं, आपका चरित्र ठीक है, तो ऐसा बताइए। दीपक जैन ने हमारे साथ निवस्त्र करके फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए, आप बताइए। तो मैंने मानवता को मानते हुए, महिलाओं का सम्मान करते हुए, मैंने उनके लिए बताया कि आप थाने जाइए, रिपोर्ट करिए। तो बस इसी बात पर दीपक जैन मेरी दुकान पर आया, अभद्र व्यवहार करने लगा। इसके बाद वो लड़की के घर गया रात में और उसको 20,000 रुपये का लालच दे के कि तुम रिपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा, वीडियो वायरल कर दूँगा, ये वीडियोग्राफी करता है, फोटोग्राफर है पुराना। इसके बाद दूसरे दिन मुझे थाने बुलवाया गया सिटी कोतवाली में। आज क्या हुआ? बस इतना सुन लो। आज ये हुआ कि उसी एविडेंस मैंने दिए वहाँ 2014 में उस लड़की के फेवर में, वो मैंने महिला की मदद की। इसके बाद एक कंटिन्यू मेरा दुश्मन बन गया। आज दिनांक मैं न्यायालय जा रहा था, तभी इनके परिवार में दीपक कुमार जैन, अशोक कुमार जैन और ज्ञानी इनके वो धर्मेश जैन, आकाश जैन और रक्षा नाम के उनकी एविडेंस में रक्षा जैन, आराध्या जैन और बबीता जैन और प्रदीप जैन, क्या किया था ना? इन्होंने मेरे डायरेक्ट हमला कर दिया मेरे ऊपर और मेरे साथ मेरे कपड़े फाड़े, मेरे पे स्प्रे किया पहले आँखों पर। मैं कोर्ट में जा रहा था माननीय प्रतिष्ठा अवस्थी मैडम जज साहब के यहाँ,
पेशी के सुनवाई के लिए, तो इन्होंने प्री प्लान करके मुझे गेट पे स्प्रे किया मेरी आंखों पर जहरीला, और इसके बाद ये पूरा डंडे से और मुझे लातों घूसे से मारने लगे और प्रहार करने लगे। बहुत देर तक मैं पिटता रहा। मेरी जेब में 14,500 रुपये रखे थे मेरी मम्मी के, वो इसने छीन लिए। मेरा सैमसंग का Pro 7 मोबाइल ले गया जो तोड़ा था अभी 23/8 को। इसके बाद मेरा और भी सामान, इसमें सोने की अंगूठी थी वो इसने लूट कर ली। और ये यहाँ से क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से चाहूँगा कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। दलित समाज सर्व समाज नहीं, न्यायत में वकील अधिवक्ता है लेकिन वो कैसे न्याय देगा अगर ऐसे बेरुपिया ऐसे षडयंत्रकारी लोग अगर ऐसे षडयंत्र करके। भागचंद अहिरवार जी वकील हैं और दीपक जैन जो हैं व्यवसायी हैं, जिनके परिवार का और इनका पुराना विवाद है। आज भी कोर्ट परिसर में इनका विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई है और इसमें जांच की जा रही है कि किसका क्या दोष रहा, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।